आज मुंडका विधानसभा के अंदर 3 करोड़ लीटर का जलाशय का उद्घाटन किया गया है और इसके स्टार्ट होने के बाद पूरे इलाके के 16 अनौसाज कॉलोनीज में और 8 गांव के अंदर पानी की समस्या बिल्कुल ठीक होगी और अच्छे प्रेशर से अच्छा पानी, साफ पानी मिलेगा। पानी मैंने पी के भी टेस्ट करके दिखा है, पानी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और जल्द ही यहाँ की पानी की समस्या दूर होगी। सर कितनी लागत से बनकर तैयार हुआ है? लगभग 15 करोड़ की लागत से। सर अभी बीजेपी जो है आपकारी नीतियों को लेकर जो है जल संरक्षण, अरे पानी की नीति पे तो बात कर लो यार, पानी पे तो बात कर लो, अभी आ जाओ साइड में, आ जाओ साइड, पानी पानी की बात करो। राजा जी आज आपके क्षेत्र में मंत्री सत्येंद्र जैन पहुंचे थे और यहाँ से जो आप पार्टी विधायक हैं उन्होंने आज UGR का उद्घाटन किया, तो ये क्या UGR को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? UGR का जो था ये डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने इसको बनवाने के लिए ये ज़मीन इकवार की थी। वे चाहते थे कि सभी गांव में सभी कॉलोनियों में पीने का पानी उपलब्ध हो और ये जब बनना शुरू हुआ तो इसका उद्घाटन उदित राज जी जो यहाँ के उस समय सांसद थे और मैं मेयर था उस समय इसका उद्घाटन किया था बनने का। ये बनना शुरू हमारे समय में हुआ था, LG से परमिशन लेके बजट लेके सारा ये शुरू करवाया और ये जिस तरीके सत्येंद्र जैन जी को आज उद्घाटन करने तो आ गए। बाकी गांव में जो गंदगी है, जो नालियां भरी पड़ी हैं, गांव जो सिड़ रहा है, सारे रोड टूटे हुए हैं, उसकी इन लोगों ने सुध नहीं ली। ये सूखी चुनाव के समय में अब नगर निगम का चुनाव है तो ये भाग रहे हैं इधर उधर। सत्येंद्र जैन जी आए होंगे तो अपनी जमीन वमीन देखने ही ना, जमीन यहाँ बहुत ले रखी है, लेकिन ये उस बार ने फिर यहाँ उद्घाटन भी कर गए। तो ये लोग जिस तरीके का षड्यंत्र करके काम कर रहे हैं, लोगों को बहुत पीड़ा है इससे, लेकिन अब कर क्या सकते, सरकार है, सरकार में जो मन में वो कर रहे हैं, सारे ठेकेदार इनके हैं, सब कुछ हेरा फेरी पूरा काम चल रहा है इनका। सत्येंद्र जैन जी का कहना है कि बिजली की तरह पानी भी 24 घंटे फ्री होगा और यमुना साफ होगी अगर MCD में आते, तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यमुना साफ का तो MCD से कोई लेना देना नहीं। अब तुम 7-8 साल से बन रहे हो, यमुना में एक रत्ती भर भी मिट्टी गंध निकाला क्या? ये झूठ बोलने का अगर कोई काम सीख सकता है वो केजरीवाल जी से, सत्येंद्र जैन जी से ही सीख सकता है। इन्होंने सवेरे शाम तक झूठ बोल रखी है। आज जो हालत यहाँ की हो रही है, लोगों को गेहूँ बोए थे वे सिड़ गए, पहले जो बोया था वो सिड़ गया, किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, इनने उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। कितने मकान खराब हो गए, पानी भरा है आज भी, आज भी जाकर देखो कितना पानी भरा है, वे लोग सिड़ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं। और पंजाब में जाकर कहे ये फ्री करूंगा, अस्पताल बनाऊंगा, दिल्ली में तने कौन सा अस्पताल बना दिया? जो अस्पताल बने थे उनमें सहूलियत नहीं है, दिल्ली में एक भी नया कॉलेज इन लोगों ने नहीं बनाया। क्या माना जाए, सिर्फ राजनीति के षड्यंत्र, ये सिर्फ राजनीति का एक षड्यंत्र कर रहे हैं और कब तक ये षड्यंत्र इनका चलेगा वो देखेंगे दिल्ली के लोग। मेरा नाम सुनील माथुर है, वार्ड 39 मुंडका विधानसभा से। अभी आपने सत्येंद्र जैन से आपसे बात की, आपने कहा कि जो टिकट में भेदभाव किया जाता है, किस तरह से भेदभाव हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? हाँ सर जी, मैं सत्येंद्र जैन जी को यही समझाना चाह रहा था कि जो कॉलोनियाँ हैं जो मुंडका विधानसभा में वार्ड 39 वार्ड में आती हैं, 13 कॉलोनियाँ हैं और गाँव 4 हैं, तो 80% वोटें कॉलोनियों की हैं और उसमें उन्होंने आम आदमी रहते हैं। तो मेरा कहना यही था सत्येंद्र जैन जी से कि आम आदमी पार्टी आम आदमी बंदों की है, तो उन्होंने इनके बारे में सोचना चाहिए कि हर बार गांव में टिकट क्यों जाती है, कॉलोनी में टिकट क्यों नहीं जाती। पार्टी क्या व्यक्ति विशेष देखकर टिकट दे रही है इस बार? हाँ जी हाँ, भेदभाव है ये, तो गांव वाले भी हमारे टच में हैं तो वो खुद भी बोलते हैं कि भाई कॉलोनी में टिकट देनी चाहिए, जो और पार्टियाँ थी वो भी ऐसे ही करती थी, तो हमने उम्मीद ये थी कि भाई आम आदमी पार्टी एक सच्ची पार्टी है, तो उम्मीद ये है कि आम आदमी पार्टी टिकट देगी। क्या टिकट पैसों को लेकर या कुछ जाति पात को लेकर, किस तरह से भेदभाव है? हाँ सर, यही लग रहा है थोड़ा बाहुबली है जो है उनको ही टिकट दिया जाता है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है,
तो कॉलोनियों में थोड़ा आम आदमी रहते हैं, वो फाइनेंशियली नॉर्मल हैं। तो टिकटों को लेकर आपसे कोई लेन देन की बात हुई, किसी ने कुछ नहीं सर, मेरे को से तो कोई भेदभाव वाली ये सॉरी पैसे की लेन देने की कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन यही लग रहा है कि जो बाहुबली है अब की बार भी वार्ड 39 मुंडका से किसी बाहुबली कोई टिकट किसी गांव में ही जाएगा।